अस्सलामुअलैकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं उमर बख्त। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुहर्रमुल हराम में अमनो अमान की सूरतेहाल को यकीनी बनाने के लिए मॉडल टाउन डिवीजन लाहौर में पुलिस का फ्लैग मार्च। एसपी मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद ने फ्लैग मार्च की क्यादत की। फ्लैग मार्च में मॉडल टाउन डिवीजन के तमाम एसडीपीओस एसएचओस की शिरकत। ट्रैफिक पुलिस ट्रॉल्फन स्क्वाड पीआरयू समेत पुलिस मोबाइल ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। एसपी मॉडल टाउन लाहौर दोस्त मोहम्मद का कहना था कि तमाम मजालिस और जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है। शहरी वबाई माहौल में कोरोना एसओपीज का खास ख्याल रखें। लाहौर पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ्फुज पैदा करना और अमन व अमान की फजा को बरकरार रखना है। बाबू साबू नाका लाहौर पर मोबाइल स्क्वाड पुलिस की शानदार कार्रवाई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने ट्रक से मुर्दा मुर्गियों की 10 बोरियां बरामद कर ली। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। जेंडर सर इकबाल टाउन डिवीजन ने बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। बच्ची अपने बड़े भाई को मदरसे खाना देने गई थी। रास्ते में मुलजिम ने बच्ची को अपने घर ले जाकर ज्यादती की कोशिश की। इंचार्ज जेंडर सर इकबाल टाउन डिवीजन मिसबा हफीज ने अपनी टीम के हमराह मुलजिम को गिरफ्तार किया। थाना मंसूराबाद फैसलाबाद का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुलजिम खालिद महमूद चर्स फरोख्त करता गिरफ्तार। 1500 ग्राम चर्स बरामद। थाना मंसूराबाद में मुकदमा दर्ज। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी ने मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ जुलूसों की सिक्योरिटी का जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसरान अलर्ट होकर ड्यूटी सर अंजाम दें। मजलिस में दाखिल होने वाले तमाम अफराद की एसओपीस के मुताबिक चेकिंग की जाए। डीपीओ गुजरात उमर सलामत ने थाना बी डिवीजन के इलाके से बरामद होने वाले जुलूस के रूट का विजिट किया। ड्यूटी पर तैनात अफसरान और मुलाजमीन को ड्यूटी के मुतालिक ब्रीफिंग दी और अलर्ट होकर ड्यूटी सर अंजाम देने की हदायत भी की। थाना नेकापुरा सियालकोट पुलिस ने 4 साल लवारिस मिलने वाली बच्ची को वर्षा के हवाले कर दिया। बच्ची के वर्षा की तलाश के लिए एसएचओ थाना हाजीपुरा और एसएचओ थाना नेकापुरा ने मुश्तरका कार्रवाई की। बच्ची के वालिद ने बेटी की वापसी पर सियालकोट पुलिस की काविश को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। जंग पुलिस थाना वरियाम की कार्रवाई। चोरी में मुलविस 2 मुलजमान गिरफ्तार। 11 लाख रुपए नकदी बरामद। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ये थी अब तक की खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस।